हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड के बारे में। सो इसका हम एनालिसिस करेंगे। सो बेसिकली मैंने इसका ऑलरेडी एक एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, तो ये एक फॉलो अप वीडियो है कि अब ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एनालिसिस। ओके, तो आप वो पुराना वीडियो जाके ज़रूर देखें, राइट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो ये स्टॉक अभी नया नया लिस्ट हुआ है। सो IPO प्राइस से करीब 90% गेन पे ये लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद इसमें एक ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पे बनी थी, तो ट्राइंगल फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। ओके, सो क्योंकि ये जो प्राइजेस हैं उस टाइम करीब इस लेवल के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, सो ये जो एरिया था ये 2/3 एरिया था। तो मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यूजुअली ट्राइंगल पैटर्न्स में जो ब्रेकआउट आता है वो 2/3 एरिया पे आता है। अगर 2/3 एरिया पे ब्रेकआउट आता है तो वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता है और उसके बाद हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ क्यों आया ये भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको एडवाइज़ करूँगी वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। मैं आपको फिर भी यहाँ पर ब्रीफ में बता देती हूँ, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है करीब 90% गेन पे हुई थी, तो प्रीवियस ट्रेंड ऑलरेडी तेज़ी का था। ये 90% तेज़ी लिस्टिंग गेन पर ही देख चुका था। ओके, उसके बाद ये कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है, तो पिछला ट्रेंड तेज़ी का था, तो ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि प्राइजेस पिछला ट्रेंड जो बड़ा ट्रेंड है वो ही आगे फॉलो करते हैं। ओके, तो ये ब्रेकआउट हम ऊपर की तरफ देख चुके हैं। ब्रेकआउट अगर आप देखें तो अच्छी डिसाइसिव कैंडल के साथ आया, बुलिश कैंडल के साथ आया, साथ में हमने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी देखा। ओके, साथ में अगर आप नोटिस करें तो ये जो ब्रेकआउट था ये गैप से हुआ है। अगर आप देख सकते हैं ये क्लोज यहाँ पे था, गैप बना, उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी जो अपने ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास क्लोज हुई। ओके, सो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही अच्छी थी, तो हमारा ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा था। ओके, ब्रेकआउट के बाद फिलहाल हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, फॉलो अप हमें नहीं देखने को मिला। उसके बाद हमें इनफैक्ट यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, ट्रायंगल में ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक लगातार तेज़ी दिखाता है, लेकिन कई बार एक ब्रीफ पुल बैक होता है उसके बाद तेज़ी कंटिन्यू करता है, और कई बार यहाँ पर साइडवेज भी हो जाता है फिर तेज़ी कंटिन्यू करता है। ओके, सो यहाँ पर फिलहाल पुल बैक ले रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये ब्रीफ पुल बैक होगा या फिर साइडवेज होगा। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर है जहाँ पे स्टॉक फिर से बाउंस कर सकता है। ओके, तो आप ये देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन जो है ट्राइंगल पैटर्न की जो रेसिस्टेंस लाइन है, अब यही लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी, और ये प्रीवियस लेवल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रीवियस टॉप है ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यही लेवल है जहाँ पे स्टॉक फिर से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ब्रेकआउट के टाइम पे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है गैप के साथ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो गैप एरिया है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, तो वी हैव मल्टीपल सपोर्ट्स। ओके, सो जब मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं तो स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल होता है वो लेवल्स को तोड़ना। ओके, सो मल्टीपल सपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि स्टॉक इस एरिया के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ओके, सो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये लेवल्स रिज्यूम होते हैं तो आगे भी हम इस स्टॉक में तेज़ी देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट के लिए, सो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आपके अदर ट्रेड्स में भी काम आएंगे। सो जैसे मैंने बताया ट्राइंगल अगर किसी भी स्टॉक में बन रहा है तो 2/3 एरिया में यहाँ पर ब्रेकआउट आना चाहिए। ओके, तभी आप आगे ट्रेंडिंग मूव देखेंगे। अगर 2/3 एरिया में ब्रेकआउट नहीं आता है तो यूजली स्टॉक वहाँ पर या तो वॉलेटाइल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ओके, ब्रेकआउट डिसाइसिव होना चाहिए, तो यहाँ पे बिग बुल कैंडल के साथ हुआ, तो हमारा ये पॉइंट भी चेक था। वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नज़र आया। पोस्ट ब्रेकआउट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक हो रहा है, तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी स्टॉक में मिली हुई है यहाँ पर फिर से एंट्री लेने के लिए। ओके, सो स्टॉक का ये डिमांड जोन मैंने यहाँ पर मैंशन किया है,
2180 से लेके 2207, ओके, तो लगभग वहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन नोटिस करना है। आप डेली चार्ट पे कर सकते हैं, आप आवरली चार्ट पे कर सकते हैं, आप 15 मिनट पे कर सकते हैं, सो देट आप इसको ईजिली टाइम कर सकें, ओके। सो अगेन वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दोबारा रिपीट करी है कि ये ब्रेकआउट लेवल सस्टेन होने चाहिए और ये गैप एरिया सस्टेन होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हायर हाईस का स्ट्रक्चर है। हायर हाईस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तेज़ी का होता है, ओके। सपोर्ट लेवल्स मैंने मेंशन किए, डेली चार्ट जो हमें सपोर्ट देता है वो 2180 के देता है, आली चार्ट पे आप जाएंगे तो 2206 के, ओके। सो इन दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक डिमांड जोन मिल जाएगा, ओके। सो ये देखिए, ये डिमांड जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, स्टॉक वहीं पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे 2100 का है, ओके। सो मेजर सपोर्ट बेसिकली यूज़फुल रहते हैं जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ओके। सो जब तक ये 2100 से ऊपर है, यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे कि ये जो स्टॉक है तेज़ी का ही आगे रुख दिखा सकता है। लेकिन ये लेवल सस्टेन करता है तो हम ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखेंगे। अगर ये 2100 तक आएगा तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो मूव स्टॉक में देख सकते हैं, ओके। सो अगेन दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स, ओके। अब ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ये हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक जा सकता है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो स्टॉक का है 2480 से लेके 2420 का है, ओके। सो अगर ये सस्टेन करेगा तो ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन तक जा सकता है, ओके। सो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। ये कोई भी एडवाइस नहीं है स्टॉक में ट्रेड करने की। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।